काफी अरसे के बाद आए हारिस बेटा, कहाँ मसरूफ हो? जी अंकल, बस फाइनल सेमेस्टर है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और बिजनेस है, उसे भी टाइम देना पड़ता है। दरअसल भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि बिजनेस तो आखिरकार इसी को संभालना है, तो ये अभी से ऑफिस जाए और जाकर देखभाल करे, आखिर को सब कुछ मेरे बेटे का ही तो है। ठीक कह रही मैं, वैसे आपकी हिम्मत को भी दाद है, इतने अरसे से इतना बड़ा बिजनेस सेटअप चला रही हैं आप, और वो भी अकेली। क्या करूं भाई साहब, इसके फादर की डेथ के बाद कोई था ही नहीं जो सब संभालता। ये मेरी बहन है मामा। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत जिक्र सुना आपका, चले मुलाकात हो गई। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वो अनुषा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो किचन में कहने लगी आज चाय वो खुद बनाएगी। मेरी बेटी चाय बहुत अच्छी बनाती। भाई साहब सिर्फ चाय बनाना जानती है, कुछ खाना वाना भी आता है उसे बनाना? भाई देखे, मेरे बेटे को खाना खाने का बहुत शौक है और ये हर रोज आए दिन खान सामा से नई नई डिशेस बनवा के ट्राई करता है, तो भाई अनुषा को खाना बनाना आना चाहिए। जी खाना पकाना जानती है वो, मेहमा ने सिखाया उसे बहुत कुछ, लेकिन हम उसे किचन में काम नहीं करवाते। अरे भाई साहब, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, और वैसे भी हम कौन सा इससे किचन में खाना बनवाएंगे। हाँ सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या बात है, आज बहुत खामोश बैठी हो। मेरा मतलब है कोई तकरीर वगैरह नहीं होगी? वो क्या ना भाई साहब, अनुषा हर बात इतने दलाइल देके करती है, लगता है कि जैसे तकरीर कर रही हो, तो आज इस तरह से इसे खामोश देखा तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये मेरी बेटी मेरे घर की रौनक है, हर वक्त चाहती रहती है माशाल्लाह। बस अब मैं ये चाहती हूँ कि ये रौनक जो है वो बहुत जल्द मेरे घर शिफ्ट हो जाए। जी इंशाल्लाह देखते हैं, पहले तालीम मुकम्मल हो जाए, उमामा की शादी के बाद सोचेंगे क्या करना। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन आजकल के दौर में जो बेटियों वाले हैं वो तो अपनी सगी बेटियों के लिए इंतजार नहीं करते, जिसका रिश्ता पहले आ जाए उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन आंटी मैं तो पहले अपनी अम्मू की शादी का इंतजार करूंगी। मैं हारिस को ही बता चुकी हूँ पहले। हारिस तुमने बताया नहीं, बताओ ना। वैसे मेरा ख्याल से बड़ों में बात हो रही है, तो हम बड़ों को डिसाइड करने दो, इसमें बच्चों के बोलने का कोई काम नहीं है। तो भाई साहब बताए ना। देखिए भाई साहब, मैं कौन साहब से कह रही हूँ कि आप शादी की डेट अभी दे दें मुझे। भाई हमारे बच्चे राजी हैं ना इस रिश्ते में, तो कम से कम कुछ तो कमिटमेंट हो जाना चाहिए ना। ठीक है बहन, हारिस माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस भाई साहब आप याद रखिएगा, आज से अनुषा आपके यहाँ मेरी अमानत है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं इसे आके ले जाऊंगी। बेटिया तो होती पराया धन है, एक ना एक दिन रुख्सत तो करना ही पड़ता है। अरे आप परेशान मत हो, ये अपने घर ही जा रही है, और ये रौनक ना आपके यहाँ आती जाती रहेगी, इसे कोई नहीं मना करेगा। चलिए जी, आप लोगों ने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया, मैं मिठाई लेकर आती हूँ, तुम चाय सर्व करो।